I drink some milk. In the first sentence, the words in bold tell us about the number of toys. Therefore, toy is a countable noun. Okay, first sentence में हमें क्या दे रखा है? The words in bold, मतलब कि जो bold letter words हैं, यानी कि जो red color से लिखे हुए words हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं? टेलेस अबाउट द नंबर ऑफ टॉयज वे हमें टॉयज यानी कि जो खिलौने हैं उनकी गिनती के बारे में बता रहे कि वो कितने खिलौने हैं ठीक है तो देर फोर इसलिए टॉय इज अ काउंटेबल हम उसे गिन सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता चल गए उनके नंबर पता चल गए तो वेन वी काउंट अ थिंग्स ऑफ नेम नाउन सॉरी वेन वी काउंट नाउन वी कॉल्ड इट काउंटेबल नाउ तो यहाँ पे टॉयज तो क्या था और बॉय क्या है नाउन है बॉय को हमने काउंट नहीं कर सकते लेकिन टॉयज हमने काउंट कर लिए कितने हैं थ्री द बॉय लिखा है दैट मीन्स एक बॉय के बारे में बात हो रही है तो जब हमें पता चल जाए कि नाउन काउंटेबल है या हमें गिनती उसके बारे में पता चल जाए तो हम उसे काउंट कर सकते हैं तो हम उसे काउंटेबल कहते हैं इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड इन बोल्ड टेलस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन लेकिन सिमिलरली उसी तरह हमें एक सेकेंड सेंटेंस दिया है जिसमें लिखा है आई सम मिल्क मैंने कुछ दूध पिया ठीक है वर्ड्स इन बोल्ड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क अब जो बोल्ड लेटर वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है नाउन की क्वांटिटी बता रहा है ठीक है यानी कि हम उसको गिन नहीं सकते हमें पता तो चल गया कि किसके बारे में बात हो रही है लेकिन उसकी क्वांटिटी हमें पता चली है एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चली है. तो हम उसे नहीं काउंट कर सकते इसलिए वे क्या कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा काउंटेबल नाउन्स आर नाउंस दैट कैन बी काउंटेड यूज इंग नंबर्स ठीक है काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन है जिससे हम किसके द्वारा काउंट कर सकते हैं नंबर्स से काउंट कर सकते हैं वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो यानी कि सिर्फ एक ही नाउन के बारे में बात हो रही हो तो हम उसे ए भी कह सकते हैं और एन भी कह सकते ए और एन उसके लिए यूज करते हैं सिंगल नाउन के लिए काउंटेबल नाउन्स प्लूरल फॉर्म्स काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म्स भी होती है ठीक है इसलिए हम उसमें साथ में क्या यूज करते हैं वी एड एस ई एस और एस टू द काउंटेबल नाउन्स वेन वी राइट द प्लूरल फॉर्म जब हम प्लूरल फॉर्म में उसे लिखते हैं तो हम एस ई एस और आईईएस लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल ए प्लम्प ठीक है एक था सिंगुलर था इसलिए हमने आगे क्या यूज करा ए यूज करा लेकिन जब हम इसमें एस लगा रहे हैं वी कैन एड एनी नंबर बिफोर इट तो हमने क्या यूज कर लिया टू प्लम्स भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं दैट इज मोर देन वन जब मोर देन वन होता है उसी को हम प्लूरल कहते हैं तो यहाँ पे प्लुरल के साथ एस e, या एस लगाना था तो हमने ए प्लम्प को चेंज किया प्लूरल में यानी कि सिंगुलर को चेंज किया प्लूरल में तो हमने क्या कर दिया उसको थ्री प्लम्प कर दिया ए ग्लास फाइव ग्लासेस ए बटरफ्लाई टू बटर फ्लाइज नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट दाइट अनकाउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउंस आर नाउंस दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर अनकाउंटेबल नाउन वे ना अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन है जिन्ह हम काउंट नहीं कर सकते नंबर की मदद से ठीक है काउंटेबल हम नंबर से जिन्हें गिन सकते हैं अनकाउंटेबल जिसे हम नंबर से नहीं गिन सकते वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब भी सिंगुल अनकाउंटेबल नाउन होती है तब हम उसे ना तो ए यूज करते हो और ना उसके लिए एन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल हनी हनी चाहे एक हो चाहे अनेक हो हमें एक के लिए भी ए यूज नहीं कर सकते और अनेक के लिए भी नहीं यूज कर सकते पेंट ब्रेड ठीक है तो ये सारे क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स है वी मस्ट यूज अदर काउंटेबल नाउन्स टू मेजर अनकाउंटेबल नाउन्स हम दूसरी अनकाउंट सॉरी काउंटेबल नाउन को मेजर करने के लिए हम आपने के लिए अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं जैसे हनी क्या हो गया अनकाउंटेबल पेंट क्या हो गया अनकाउंटेबल और ब्रेड भी क्या था अनकाउंटेबल लेकिन हमने इसके लिए काउंटेबल यूज किए कौन कौन से काउंटेबल यूज करे ए जार ऑफ मनी ए कैन ऑफ पेंट ए लोफ ऑफ अ ब्रेड ठीक है इन केस ऑफ प्लूरल्स वी राइट इट एज अ और यूनि को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे अ जार ऑफ हनी दैट मीन्स टू जार्स ऑफ हनी ए कैन ऑफ पेंट फाइव कैंस ऑफ पेंट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड थ्री स्लाइसेज ऑफ अ ब्रेड वी कैन ऑल्सो यूज मच अ लिटिल अ लॉट ऑफ सम एंड एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन्स टू शो क्वांटिटी अब अनकाउंटेबल नाउन को हमें अगर उसकी क्वांटिटी बतानी हो तो हमें कुछ वर्ड्स का यूज करना पड़ता है क्योंकि तो एक तो वो काउंटेबल नहीं होते और दूसरा अगर उनको हम मेजर करेंगे तो किस तरह से मेजर करते हैं मच का यूज करके अ लिटिल अ लॉट ऑफ सम और एनी का यूज करके कैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैड सम कर्ड इन दफ्टरनून रोटा हैड अ लॉट ऑफ जूस लास्ट इवनिंग वी प्लेड अ लिटिल म्यूजिक एट द पार्टी इज देयर एनी आइस सॉरी राइस लेफ्ट

देर वर अ फ्यू एप्पल्स अब एप्पल हम गिन सकते लेकिन हमने ए फ्यू यूज किया है ठीक है बिस्किट गिन सकते हैं हमने सम बिस्किट यूज करा है बुक्स लॉट ऑफ बुक्स शेल्स मैनी शेल्स शूज एनी शूज सो देर आर अ फ्यू एप्पल्स ऑन द ट्री वी हैव समिस्किट इन द टर्न बॉक्स देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी देर आर मैनी शेल्स ऑन द सी शोर देर आर नॉट एनी शूज ऑन द रैक वी यूज द बिफोर अनकाउंटेबल nouns ओनली when द थिंग्स being referred टू आर स्पेसिफिक एंड नॉट जनरल हम अनकाउंटेबल नाउन के आगे द का यूज करते हैं जब हम किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हूं ठीक है द मिल्क इज इन द फ्रिज फ्रिज के अंदर क्या है सिर्फ हमने किसकी बात करी मिल्क की बात करी इसलिए हमने यूज किया द मिल्क वाम स मिल्क फोर द कैट मतलब बिल्ली के लिए कुछ दूध गर्म कर दो तो हमने कुछ दूध के बारे में बात करी ठीक है तो वो थोड़ा भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है या दो पार्ट में भी रखा हो सकता है तो ये क्या हो गया जनरल हो गया स्पेसिफिक मतलब जो भी रखा है वो दूध ही है और हमें वही गर्म करना है वो होता है स्पेसिफिक जनरल यानी कि फ्रिज में हो सकता है दो बर्तन में दूध हो तीन में भी हो सकता है या फिर अलग अलग पार्ट्स में भी हो सकता है now look at the exercise of your chapter question a circle the uncountable nouns and underline the countable nouns underline the countable nouns हमने पहले करा रखा है ठीक है यानी कि जो चीजें गिनी नहीं जा सकती वो कहलाती अनकाउंटेबल और जो चीजें गिनी जा सकती है वे कहलाती है countable तो हमने अंडरलाइन किया है काउंटेबल लाउन्स को हेट काउंटेबल ट्री काउंटेबल सोफा काउंटेबल पाउडर अनकाउंटेबल सॉरी टी काउंटेबल स्कूल काउंटेबल क्रेन काउंटेबल पेबल यानी कि जो कंकर होते हैं काउंटेबल सनफ्लावर काउंटेबल रूम काउंटेबल केक नैपकिन चौक और लीफ दे ऑल आर Countable nouns and what are in uncountable nouns? Salt, sandwich, powder is also there. You have to correct this. Powder is also uncountable. Rice, oil, grass, mud, honey, wool, and gold. They are uncountable nouns. Question B Tick write the correct options to complete these sentences. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है शी बॉट डैश मिल्क फॉर द शॉप वन मिल्क नहीं खरीद सकते सम मिल्क फ्रॉम द शॉप आई पुल्ड चेयर्स बाय द फायर प्लेस मैंने चेयर खींची फायर प्लेस से टू चेयर्स अ लिटिल टू चेयर्स ठीक है डिड यू स्पिल सम टमाटो सॉस ऑन द ड्रेस वी नीड Four onions to add in the salad. I gave her some biscuits. There are many books in the bag. C. Complete this conversation with nouns from the box. Mother, let's go to the supermarket. We need to buy some groceries, but first we need to make a shopping list. A big. Okay, we need half of a kilogram of Flour and fluffy grams of paneer. I am going to make paneer rolls this evening. Here is paneer. You have to correct this. This is paneer. Okay. Mother, that's good to hear. We also need to buy a loaf of bread and a cartoon of pineapple juice. You can also buy a bar of chocolate. And I think father needs a new tube of. Shaving cream. A big. I think we also need a bottle of jam. I want to buy a strawberry one. Mother. We will also need a packet of washing powder and a few boxes of matches. I think that will be all. Let's go now. So here is the end of the chapter. Hope you understand the chapter. Thank you.